अरे वाह भाई वाह, रोहित शर्मा देख के तुम्हारी बैटिंग दर्शकों का भी माहौल गया था गर्मा। अरे तुम्हारी बल्लेबाजी ने तो भाई हमारा मैच देखने आना बिल्कुल सफल बना दिया, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तुमने इन पाकिस्तान वालों को बिल्कुल उल्टा लटका दिया। अरे क्या गजब के खिलाड़ी हो भाई, इतने बड़े मैच को तुम लोगों ने बिल्कुल चुटकियों में निपटा दिया और वर्ल्ड कप में लगातार पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया। अरे गृह मंत्री साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आके हमारी टीम को दिया आशीर्वाद। अमित शाह जी हमने तो बना रखा है एक ही असूल, हर मैच में करवाऊंगा दर्शकों का पूरा पैसा वसूल। हम छोटी मोटी सीरीजों में भले ही ना चले लेकिन बात जब वर्ल्ड कप की आएगी तो शेर अकेला ही भारी पड़ जाएगा। दूसरे छोर से भले ही विकेट गिरते रहे लेकिन एक छोर पर बिल्कुल अंगद के पाव की तरह अड़ जाएगा। वैसे असली काम तो हमारे गेंदबाजों ने किया था, निपटा के पाकिस्तान को 191 रन पर हमारी आत्मा को बड़ा सुकून दिया था। अरे क्यों भाई बुमराह गेंदबाजी में जवाब नहीं तुमरा? अरे बल्लेबाजी की तो ज्यादा जरूरत ही ना पड़ी, तुमने तो गेंदबाजी में ही कर दिया था पाकिस्तान को गुमराह। अरे कप्तान साहब गेंदबाजी में हमारा, बल्लेबाजी में तोड़ नहीं किसी के पास तुम्हारा। अरे ये तुम्हारी तूफानी पारी का ही नतीजा है, कैसे मुंह लटका के बैठ गए ये बाबर बेचारा। हमें तो इस बाबर की हालत पे बिल्कुल तरस आ रहा है, इनके साथ हमारा हर मैच बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। अरे कहां बेचारे दर्शक भारत और पाकिस्तान के महा मुकाबले की आस लगाते हैं लेकिन ये पाकिस्तान वाले खुद हारते हैं, जो हारते हैं दर्शकों की भी आस उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अरे बाबर भाई जब 50 ओवर का मैच आधे ओवरों में ही निपट जाए तो तुम लोगों की क्या इज्जत रह जाती है? अरे कह लो भाई कह लो, तुम्हारे दिन है, कुछ भी कह लो भाई। बाकी सबके साथ तो हमारी टीम बिल्कुल गजब का खेल दिखाती है लेकिन तुम्हारे साथ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, बल्लेबाज बल्लेबाजी करना भूल जाते हैं, गेंदबाज चौके छक्के लगवाते हैं। हमने तो सोचा था भाई वर्ल्ड कप में इंडिया से लगातार हारने का वो दशकों दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ के कलंक मिटाएंगे लेकिन उसमें तो भाई एक हार और जुड़ गई। देख के इस रोहित शर्मा की ऐसी तूफानी पारी हमारी तो रातों की भी नींद उड़ गई। अरे रोहित शर्मा भाई कुछ तो लिहाज शर्म कर लेते, तुम लोगों ने जितना तगड़ा स्वागत किया था उससे तगड़ी तो हमारी ठुकाई कर दी। अरे बताओ 62 गेंद में ही 86 ठोक गए, चौके छक्कों में तो कोई भेदभाव ही नहीं किया, दोनों छह छह लगा गए और पूरे पाकिस्तान की अकेले ही लंका लगा गए। अरे बाबर मियां यार क्या आए, हम 14 रन से शतक से चूक गए, वरना भाई ऐसी कप्तानी पारी खेल दी थी, लगातार दूसरे मैच में शतक ठोक दिया था। लेकिन चलो भाई फिर भी कोई बात ना, आउट होने से पहले टीम की बिल्कुल एक तरफा जीत पक्की कर दी थी। वैसे भाई तुम्हारे वाले ही कह रहे थे रोहित शर्मा का बल्ला छोटी टीमों के खिलाफ ही चलता है, आज हमने अपनी टीम को जितवाया, जो जितवाया उनको भी करारा जवाब दे दिया और पेल के पाकिस्तान को वर्षों पुराने रिकॉर्ड को टूटने से भी बचा लिया। अरे वो तो शुक्र मनाओ दूसरे छोर से हमारे गिल और कोहली ज्यादा समय ना टिक पाए, वरना ये मैच तो हम पावर प्ले में ही जीत के नजदीक ला देते। अरे रोहित शर्मा भाई तुम शतक के इतने पास आके शतक से चूक गए, उसका तो हमें भी बहुत दुख हुआ लेकिन भाई तुम्हारी बल्लेबाजी ने तो हमारे बिल्कुल दिल को छुआ और देख के भारत की बिल्कुल एक तरफा जीती अमित शाह बड़ा खुश हुआ। हम तो भाई एक ही बात कहेंगे, ऐसे ही कहर ढाते रहो, गजब का खेल दिखाते रहो, अब की बार भारत के शेरों से हमें बड़ी आस उम्मीद है, हमें पक्का यकीन है तुम हमारी आस उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरोगे, अब की बार के वर्ल्ड कप को हिंदुस्तान में ही रखोगे। भाई आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब की बार का ये वर्ल्ड कप भारत की टीम को जितवा देना और विजय पताका पूरी दुनिया में लहरा देना। गृह मंत्री साहब आप बिल्कुल बेफिक्र होके घोड़े बेच के सोइए, अब की बार वर्ल्ड कप जीतने की जिम्मेवारी खुद रोहित शर्मा ने ले ली है, तुम्हारे शासन में हमारी कप्तानी में अब की बार भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी और कोई सी भी टीम आए सामने उसको बिल्कुल एक तरफा पीटेगी। अरे हम तो हर मैच में हिंदुस्तानियों को भरोसा दिला रहे हैं, कोई सी भी टीम आओ सामने एक तरफा धूल चटा रहे हैं और हर मैच में नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं।